से कहा कि हे बाबा, अब की बार गिरिराज पर्वत की पूजा की छे, ना कि इंद्र की। बस एक बार मेरी बात को मान लीजिए, क्योंकि गिरिराज हमारे भगवान हैं, उनके ऊपर हमारी गायें चारा खाती है, हमें वनस्पति गिरिराज पर्वत देते हैं, इसलिए अब की बार आप गिरिराज पर्वत की पूजा कीजिए। तो सारे ब्रजवासियों ने भगवान की आज्ञा मानी। अब की बार सबने इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज की पूजा करने का निश्चय किया। सारे ब्रज के लोगों ने रथों में, गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में जितना भी पूजन का सामान था सब रखा और गिरिराज पर्वत की पूजन के लिए चल दिए। भगवान एक रूप में गिरिराज पर्वत का पूजन कर रहे हैं और दूसरे रूप में खुद पूज भी रहे हैं, क्योंकि गिरिराज भगवान कृष्ण का ही अवतार है। तो आइए आप सब ऐसा भाव रखें कि हमारा तन इस लवारपुर में है, लेकिन मन से आप सब लोग कहां पहुंच जाइए, गोवर्धन में। ऐसा भाव रखो कि हम गोवर्धन में बैठे हैं, भगवान के सामने हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको कुमकुम लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ऐसा मन में भाव रखेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे ये माथे मुकुट विराज दयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे ये माथे मुकुट विराज दयो। अच्छा, किस किस के मन में ये भाव है कि हम गोवर्धन में बैठे हैं, हाथ खड़े करो। आपका मन का भाव है कि आप गोवर्धन में बैठे हो, लेकिन आप तो ऐसे लगा है जैसे कि लवारपुर में किसी कोने में किसी शोक में बैठे हुए हो। अरे गोवर्धन में बैठे हो तो इतनी खुशी तो होनी चाहिए, सभी प्रेम से भाव से तालियां बजा करके नृत्य करके ऐसा भाव रखे कि हम वृंदावन में गोवर्धन में भगवान के सामने हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज दयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज दयो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे
मुकुट विराज हो। तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।